की इंक्वायरी वन साइडेड थी, और दूसरी बात पहले दिन से ही जो इंक्वायरी गलत चल रही थी, अगर उन्होंने इंक्वायरी करनी है तो उन्होंने जिन लोगों को पहले उठाया उनको किस बेस पे छोड़ा, कईयों को एक दो ऑफिसर सस्पेंड कर दिए, किस बेस पे किए। आज अगर ये पूरी दुनिया पूरी आवाम इस चीज को देख रही है तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सीबीआई इंक्वायरी हो। मैं इस इंक्वायरी का कोई मतलब नहीं समझती कि जो क्राइम ब्रांच है कुछ है ये क्या है। हमने आज तक जो जातियाँ जो जुल्म जो हमने सहे हैं वो हम जानते हैं, उस बच्ची के लिए इंसाफ हमने भी मांगा है। अगर सीबीआई इंक्वायरी होगी कोई निर्दोष नहीं बचेगा। पूरा देश ये बात जानने के लिए क्यों नहीं सोच रहा, ये सोच रहे हैं कि जो कल्पित है उनको बचारे। आज तक किसी ने नहीं बचाने के लिए बोला, आज तक यही बोला रची हुई प्लानिंग है। ये सब ताली हुसैन का बनाया हुआ षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को पूरी दुनिया पूरा वहाँ जाने। वो बच्ची कोई हिंदू मुसलमान की नहीं है, उस बच्ची का कोई रेप नहीं हुआ, मर्डर हुआ है। उस मर्डर की छानबीन सीबीआई करे तब ये केस हल होगा, अन्यथा निर्दोषी फंसेंगे। और अगर आज मेरी बात सुनिए, ये मीडिया को आज मैं बता दूं ये कौन सी मीडिया है, 3 महीने के बाद केस की याद आ रही है। पहले ये मीडिया नहीं थी इधर, कहाँ थी ये मीडिया? आज 3 महीने के बाद मीडिया आ रही जब केस फाइल किया जा रहा है। आज क्राइम ब्रांच की बनाई प्लानिंग जो लिखी जा रही है आज मीडिया को याद आ रही है? 3 महीने से कहाँ थी ये मीडिया? सीबीआई के लिए डिमांड कर रहे हैं हम, एक ही चीज मांग रहे हैं, सीबीआई इंक्वायरी। जब सीबीआई इंक्वायरी होगी, सीबीआई इंक्वायरी से क्या कोई बचता है? मुझे ये बात बता दे, पूरी आवाम बताए, पूरी दुनिया बताए, सीबीआई इंक्वायरी से कोई निर्दोषी बचेगा? इंक्वायरी फिर होगी, फिर इंक्वायरी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, जो निर्दोष है वो बचे। हमने चाहते कि जो अंदर है उनको छोड़ो। हमने एक डिमांड की, सीबीआई इंक्वायरी, टोटली सीबीआई इंक्वायरी होगी तो इस बात को हम मानेंगे, फिर चाहे जिसको मर्जी फांसी मिले। आज तक जो मीडिया है जिसने बात की उन्होंने यही बोला रेपिस्ट को बचा रहे हैं। हमने आज तक किसी रेपिस्ट को नहीं बचाया, हमने सिर्फ 3 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी हो, सीबीआई इंक्वायरी हो, सीबीआई इंक्वायरी। सीबीआई इंक्वायरी से कौन बचता है मुझे ये बता दो। आज तक आपने आज एक तर्क दिया है कि उसका रेप नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, कैसे कह सकते हैं ये? इसलिए कि वन साइडेड इंक्वायरी हुई, उस बच्ची